देवघर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 14 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पेटीएम और फोनपे जैसे ऐप को अपडेट करने के नाम पर लोगों को ठगते थे, साथ ही एटीएम अपडेट के नाम पर भी फर्जी काम करते थे। गौरतलब है कि साइबर क्राइम के खिलाफ देवघर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिले के पालोजोरी सारठ जैसे तमाम जगहों पर छापेमारी कर कुल 14 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। देवघर जिले में पूर्व से ही साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में लगातार छापामारी की जा रही थी, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी सिलसिले में एक छापामारी अभियान पालाजोरी सारठ और पथरड्डा थाना क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें देवघर पुलिस की दो टीमें कार्य कर रही थी। एक का नेतृत्व DYSP मंगल सिंह जामुदा, दूसरे टीम का नेतृत्व DYSP नेहा बाला कर रही थी। इन दोनों टीमों के द्वारा कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 23 मोबाइल, 37 सिम, 9 पासबुक, 4 चेकबुक और 11 ATM बरामद हुआ है। इन 14 अपराध कर्मियों में एक अपराध कर्मी मुकेश मंडल है, जो पूर्व में हत्याकांड का आरोपित रहा है और इसके विरुद्ध पालाजोरी में 52/2019 कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी में मुकेश मंडल पर पहले भी पालोजोरी थाना में हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फोन करके बैंक पदाधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। इन ठगों का गिरोह आम लोगों को ATM बंद होने की सूचना देता था, फिर उसे चालू करने के लिए बताया जाता था। इसी दौरान कायक अपडेट के नाम पर फोन पे पेटीएम पर मनी रिक्वेस्ट भेजकर OTP प्राप्त कर पूरा रुपया बैंक से उड़ा लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23 मोबाइल, 37 पासबुक, 4 चेकबुक, 11 ATM बरामद किया गया है। देवघर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।